नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावना दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। फिल्म काली के बाद अब हिंदी फिल्म मासूम सवाल विवादों में है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म की पूरी टीम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। दरअसल इस फिल्म के पोस्टर में सैनिटरी पैड पर कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भी बनी हुई है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि 17 जुलाई को एक फ्रेंच फिल्म मासूम सवाल के मेकर्स ने कुछ पोस्टर्स शेयर किए थे, जिसमें से फिल्म के एक पोस्टर में सैनिटरी पैड पर भगवान श्री कृष्ण की फोटो बनी हुई थी। इस मामले में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद सर्कल के ऑफिसर स्वतंत्र सिंह ने कहा कि मासूम सवाल के डायरेक्टर संतोष उपाध्याय और उनकी टीम के ऊपर हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रेसिडेंट अमित राठौर ने शिकायत दर्ज करवाई है। पूरी टीम पर IPC की धारा 295 के तहत FIR दर्ज करी गई है। फिल्म के डायरेक्टर संतोष उपाध्याय ने एक इंटरव्यू के दौरान हाल ही में कहा कि मैं जीवन में कभी माफी नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे इसके लिए फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आपको बता दें कि फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म दोबारा को लेकर चर्चा में है। उनकी फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। वो एक सस्पेंस से भरपूर थ्रिलर फिल्म है। एक्ट्रेस अपनी फिल्म को लेकर जोर शोर से प्रमोशन भी कर रही है। इसी बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तापसी पन्नू की पैपराजी से बहस हो गई। दरअसल तापसी हाल ही में फिल्म दोबारा के प्रमोशन के लिए मिथिबाई कॉलेज में एक इवेंट रखा गया था, जहां वो देर से पहुंची और बिना मीडिया से मिले सीधा अंदर चली जाने लगी थी। इसी पर पैपराजी ने कहा कि वो पिछले 2 घंटों से उनका इंतजार कर रहे हैं और वो काफी लेट आई हैं। इस दौरान तापसी पन्नू पैपराजी पर भड़क गई और उनसे ठीक से बात करने के लिए कहने लगी। वीडियो में पैपराजी तापसी से कह रहे हैं कि वो उनके लिए रुके हैं। इसके जवाब में अभिनेत्री कहती हैं कि पैपराजी को उन्होंने नहीं रोका है। आगे उन्होंने कहा कि आप मुझसे तमीज से बात करिए, मैं भी आपसे तमीज से ही बात करूंगी, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम कर रही हूं। टेलीविजन का मशहूर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी लंबे समय से अपने दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। हालांकि बीते कुछ समय से इस शो में कई तरह तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। इस शो के कई अहम किरदार अब इसे छोड़कर भी जा चुके हैं। ऐसे में प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने हाल ही में एक शो में कास्ट हुए बदलाव को लेकर रिएक्शन दिया अपना। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा बकानी और शैलेश लोढ़ा ने शो को छोड़ दिया है, जबकि राज अनादकर और मुनमुन दत्ता के शो से बाहर होने की अफवाहें पहले से ही चल रही हैं। ऐसे में असित मोदी ने अपने कलाकारों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा है। इस बारे में असित मोदी ने बात करते हुए कहा कि दर्शकों ने शो को पसंद किया है, क्योंकि वो इन अभिनेताओं को केवल इन्हीं किरदारों में देखना चाहते हैं। अगर वो ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे तो शो की वैल्यू खत्म हो जाएगी। असित मोदी ने शो के कलाकारों के छोड़ने पर कहा कि जब कोई कलाकार जाने का फैसला करते हैं तो मेरा विश्वास करो, मैं सबसे ज्यादा दुखी महसूस करता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।